और मेरे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी इस वक्त गाजा बॉर्डर से सीधे लाइव मौजूद हैं। मनीष, कहा यह जा रहा है कि आज की रात बहुत ज़्यादा भारी है और हो सकता है गाजा के लिए, हमास के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी भी हो। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी, और उसको दिखाने के लिए मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं जिससे हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि अगले कुछ घंटे में इजरायली सेना कैसे एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। इस वक्त हम गाजा पट्टी से कुछ ही दूरी पर स्थित इजरायली सेना के एक ऑपरेशनल बेस पर मौजूद हैं, जहां TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे होंगे दर्जनों की संख्या में टैंक और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियां हैं मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग मौजूद हैं और इस जगह की सुरक्षा करने के लिए खुद दो दो हेलीकॉप्टर लगातार यहां पर चक्कर लगा रहे होते हैं और यहां पर सबकी तैयारी है, सब अभी तैयार हैं और कुछ ही देर में यहां से वो मूव करेंगे उस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जिसके लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि हमास हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो हमास को मिटाने का वो ऑपरेशन किस तरीके से होगा वो TV9 के कैमरे से दुनिया भर के दर्शक देखेंगे। हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर जो एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक खत्म होने के बाद एक बार जब इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सारी टीम, जो जो टीम जाएगी लड़ने के लिए, उन सबके साथ लगातार TV9 का कैमरा फॉलो करते हुए आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से इजरायल अपनी वो जंग लड़ रहा है जो उसके आन बान शान का सवाल है, और वैसी स्थिति में यहां पर क्या तैयारी है। देखिए अब ये लोग आखिरी मूवमेंट पर है, अब थोड़ी देर में यहां से ये मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे और लगातार यहां पर अगर मैं कहूं तो दर्जनों की संख्या में मिलिट्री व्हीकल्स आ रहे हैं। तो राहुल जी, निश्चित तौर पर इस वक्त इजराइल 4 दिन के ऑपरेशन के बाद अब उस पोजीशन पर है जहां वो शनिवार के उस हादसे को सबक लेते हुए अगले उस ऑपरेशन की तैयारी में है, जहां अब हमास का क्या होगा ग्राउंड पर ये कहना बेहद मुश्किल होगा। जी सुमित, 72 घंटे का वक्त दिया गया था, 72 घंटे का राशन पानी सब कुछ समेटने की बात कह दी गई थी। नेतन्याहू जो कह चुके हैं वो मनीष बता रहे हैं, क्या हम मान लें कि 48 घंटे में इजराइल अपना पूरा बदला ले लेगा या फिर अभी जंग लंबी चलेगी? देखिए जंग थोड़ी सी लंबी चलेगी। 48 घंटे में भले ही जो दावा किया गया है वो उन इलाकों के लिए किया गया है, उन बिल्डिंग्स के लिए किया गया है जहां पर हमास का बेस है, उन बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के बाद, क्योंकि ना सिर्फ देखिए अभी दो मेजर ऑपरेशन चल रहे हैं, पहला ये कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए ग्राउंड पे कि जहां जहां पे इन्फिल्ट्रेशन हुई थी सदर इलाकों के अंदर, जो इलाके थे 21 पॉइंट से 22 पॉइंट, उनको सिक्योर कर लिया गया है। अब सबसे पहले बात की जा रही है आर्टिलरी गन, जो मैं अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा था, आर्मेड जो है यानी टैंक जो है उनसे फायर करने का, और ऊपर से ग्राउंड जो एयर सपोर्ट है वो लगातार दिया जा रहा है, तो न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। जब तक समतल नहीं कर दिया जाएगा सब चीजों को, तब तक फोर्सेस आगे नहीं बढ़ेंगे, और फिर जब गाजा के अंदर ये सारे काम हो जाएंगे तब ग्राउंड फोर्सेस लगातार उन इलाकों पर अपनी चेक पोस्ट बनाएंगी, अपने कब्जे में लेंगी, और यही कुछ स्ट्रैटेजी है इस समय इजराइल की। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि राहुल जी, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट ना सिर्फ गाजा को न्यूट्रलाइज करना है बल्कि ये भी देखना है कि कैजुअल्टीज कम हो और हॉस्टेजेस जिनको बनाकर वो लेकर गए हैं, जिनको बंधक बनाया हुआ है, उनको वापस कैसे लाना है। तो कई स्ट्रैटेजीज हैं जिनके ऊपर अभी इस समय इजराइल काम कर रहा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल अभी ये चाहता है कि जो लोग अभी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं वो आगे और ना बढ़े और कैजुअल्टीज ना हो इजराइल को। एक एक चीज आप वहां से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए सबके सामने लेकर आ रहे हैं, जो अभी तक जितने भी वेपन्स खासतौर से हमास की तरफ से यहाँ आकर के रॉकेट हों मिसाइल्स आई हैं, क्या इसराइल कुछ पता लगा पा रहा है कि ये हमास ने कहां से लिए हैं? बैकएंड जो पीछे से सपोर्ट मिल रहा है वो किस देश का मिल रहा है? देखिए राहुल जी, मेरी जब IDF के ऑफिसरों से बात हुई, इंटेलिजेंस के लोगों से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जानते थे कि ये रिवाइव कर रहा है हमास। पिछले एक महीने में 4 बार अलर्ट आए, ना सिर्फ अपने इंटेलिजेंस के खुद के बल्कि दूसरी जगहों से भी अलर्ट आए, दूसरी कंट्री से भी, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हथियार इतने मैसिव स्केल पर होंगे। और ये हथियार जो IDF की तरफ से बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि ना सिर्फ हिजबुल्ला की तरफ से आए लेकिन उनका इंडिकेशन ईरान की तरफ भी है। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, इतने ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर, इतने शेल्स, ये सिर्फ हिजबुल्ला के पास नहीं हो सकते, क्योंकि हिजबुल्ला अपने पास भी कुछ चीजें सिक्योर करके रखना चाहता था, क्योंकि उसने भी ये फ्रंट खोला। तो इन दोनों, हिजबुल्ला और हमास को बैक करने वाला कहीं ना कहीं ईरान है, ये लगातार इंडिकेट किया जा रहा है बातों से। और ये भी कह रहे हैं कि हम ये जरूर बयान दिया कि नहीं नहीं हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन मनीष,
हमास और इसराइल के सैनिकों के अलावा क्या कुछ और बॉर्डर्स भी है जहां इस समय एक्टिविटीज ज्यादा है? मैं खासतौर से लेबनान की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां साउदर्न इसराइल यानी दक्षिणी इसराइल में आप देखते हैं कि गाजा पट्टी पर, इसके अलावा जेरूसलम और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल का नदर्न हिस्सा यानी उत्तरी इलाका जहां पर कि लेबनान का बॉर्डर है, जहां हिजबुल्ला के साथ इजरायली सेना के लगातार बीच बीच में हम देखते हैं कि दोनों तरफ से रॉकेट छोड़े जाते हैं, गोलियां बरसाई जाती है, तो ये ऑपरेशन उस हिस्से में भी चल रहा है। कुछ और फ्रंट हो सकता है। एक बात खाली मैं जोड़ दूं, राहुल जी आपने पूछा था किसके हथियार है, देखिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि यूक्रेन से ब्लैक मार्केट के जरिए हमास को बहुत सारे हथियार मिले हैं, तो इसराइल के ही बहुत सारे दोस्त जिन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजे थे वो हथियार भी यहां तक पहुंच पाए हैं और इसकी पूरी पुख्ता सबूत जो है वो इसराइल के पास मौजूद है। तो एक बात यह भी कह सकते हैं कि दुश्मन कई बार दोस्त का हथियार भी आपके लिए घातक हो जाता है, इसका जीता जागता सबूत आज इसराइल की स्थिति है। सही बात आपने बोली मनीष, असल में हथियार ही एक ऐसी चीज है जो कभी दोस्त हो ही नहीं सकती है, चाहे वो दोस्त के पास रहे या दुश्मन के पास रहे, वो हमेशा दुश्मन ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे।